सलामकुम आंटी। वालेकुम सलाम। तुम खड़े क्यों बैठो ना? अरे ना जाओ, चाय लेकर आओ। और बताओ, सब खैरियत है ना? जी आंटी। अलीना ने मुझे नहीं बताया था कि तुम आ रहे हो। अच्छा, घर में सब ठीक है? फारान और जुबैदा ठीक है? जी आंटी, सब ठीक है। मैंने अलीना को फोन पे बताया था कि मैं आपसे मिलने आऊंगा। अच्छा, मुझसे उसने कोई बात नहीं की। खैर से आयो ना? आंटी, अलीना ने मुझे बताया था कि आप और अंकल काफी अपसेट हैं मेरे और फरहान भाई का जो झगड़ा हुआ। देखो हारून, तुम दोनों भाइयों के झगड़े से ज्यादा जो झगड़ा करवाने वाली है ना, उसकी वजह से हम परेशान हैं। देखिए आंटी, आप परेशान मत हो, अंबर भाभी को भाई कंट्रोल कर लेंगे। उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता हारून। अंबर की वजह से तुम्हारे भाई ने तुम्हारे ऊपर हाथ उठा लिया, घर में झगड़े शुरू हो गए और तुम कहते हो कि वो कंट्रोल कर लेगा। खैर, मुझसे तो तुम्हारी अम्मी ने वादा किया था कि वो अंबर को अपने हद में रखेंगी। आंटी, ऐसा ही होगा, आप तसल्ली रखें। जब तक ये मामला सेटल नहीं हो जाता, मैं और अलीना भी शादी नहीं करेंगे। देखो हारून, तुम मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन अलीना की शादी के लिए मेरी एक शर्त है। जब तक तुम अपना अलग घर नहीं लोगे ना, तब तक तुम्हारी और अलीना की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि अंबर मेरी बेटी को उस घर में टिकने नहीं देगी और मैं अपनी बेटी के लिए कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हूं। बस ये हमारा आखिरी फैसला है। अगर तुम अलीना को अलग घर में रखोगे ना, तो हम इसकी शादी करेंगे, या फिर अंबर उस घर को छोड़कर चली जाए।